खूब शहर है साहब, जिधर निगाह उठाइए कहानियां ही कहानियां नजर आती हैं। कहानी शुरू होने लगी। आज कोई गाए रे मल्ला, आज कोई गाए रे मल्ला, दे बीरहन के द्वारे, आज कोई समझ में नहीं आता। मेरे भी समझ में नहीं आता रणधीर, मगर यहाँ मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात सीखी है। लेकिन अब यहाँ आने से क्या फायदा? जो सीखा है उसे समझना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि अगर एक बार, बस एक बार उन्हें फिर देख लूँ तो सब कुछ समझ जाऊंगी। यार कुछ दाल में खाला जरूर है, आओ इस अंधे से पूछे। चलो। कौन हो भाई, कौन हो तुम लोग? कुछ नहीं बाबा, हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्यों बाबा, यहां कोई मकान मिलेगा किराए पर? उठे कहीं के ये क्यों नहीं पूछते कि इस घर में कौन लोग रहते हैं, वो लड़की कौन है? अंधा हो ना? इसीलिए मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ। जाओ जाओ, भाग जाओ यहां से, जाओ। जो कुछ तुम लोग समझ रहे हो वो बात नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। कहानी खाक है अजी, हमसे पूछो, बंबई में ऐसी औरतें बहुत हैं। कमीनो, आंखों वाले कुत्तों, बैठो बैठो और सुनो जो कुछ इस अंधे ने समझा है, शुरू से सुनो। कहानी बहुत पुरानी नहीं है, बस यही कुछ 8 महीने की बात है।
उन दिनों इस मकान में दो प्राणी रहते थे, एक विधवा खतरानी जिन्हें सब लोग माजी कहते थे और एक उनका लड़का मोहन। फिर हाथ लगा मेरी साइकिल को। कहूं माँ को, बिंदो की माँ। राधे श्याम बाबा जी। राधे श्याम जी। कॉलेज से जल्दी आना मोहन, के सिनेमा देखने मत चले जाना। आजकल आप बहुत रोक टोक करती हो माँ जी। क्या करूं पड़ोसन, आजकल इसे सिनेमा का ऐसा चस्का लगा है कि मैं रोकूं तो शायद अभी जाकर किसी सिनेमा में भर्ती हो जाएगा। सच कहती हो? मेरी मानो माँ जी, तो इनका ब्याह कर डालो झटपट। तू कहती तो सच है बिंदु, मगर बेटा बंबई में कोई अच्छी लड़की भी तो नहीं मिलती। तू जल्दी जल्दी बड़ी हो जा, तुझी से ब्याह करूंगी मोहन का। अच्छा अच्छा बिंदु। फिर एक दिन की बात है, सुबह सुबह मोहन के घर कहीं से दो मेहमान आए। रंग ढंग से दोनों बंगाली मालूम पड़ते थे, शायद पहली बार ही बंबई में आए थे। नमस्कार माँ जी। पहचाना नहीं आपने, मैं रायपुर से आया हूँ, बीरेन बीरेन मुखर्जी। अरे बीरेन, कितना बड़ा हो गया है तू तो। अच्छा तो है बेटा, अकेला आया है? नहीं, मेरी बहन भी साथ में है। अरे वो खाने डाली है क्या ना, भेतरा भेतरा शर्माती है। गोपा जीती रहो बेटा, खुश रहो। हाय मेरी आंखों में धूल, तुम लोग तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। और तुझे तो मैं जानू, 10 बरस की देखा था मैंने। तेरी माँ मेरी सबसे प्यारी सहेली थी। अरे हाँ, मोहन कहाँ है माँ? मोहन बाजार गए हैं राशन लाने। अच्छा, और तुम कौन हो भाई? हम उनके पड़ोसन हैं। अरे इससे पूछ मोहन की कौन है। अच्छा तो ये बात है। अरे एक बार मैंने हंसी में कह दिया कि मोहन से ब्याह करूंगी तेरा, बस उसी दिन से दुल्हन बनी फिरती है। लड़की तो होशियार है माँ जी, और ये देखिए गोपा तार की तरह बढ़ गई है, ना ब्याह ना शादी। अरे चल बैठ, खबरदार जो ऐसे कुछ कहा होगा। आओ बेटी। अरे तुझे याद है मोहन बचपन में कहा करता था गोपा, क्या नाम है गोपा, नाम तो होना चाहिए गोपी, याद है? याद है माँ जी, 8 साल में 800 बार कह चुकी है, बंबई चलो दादा मोहन से मिलेंगे, बंबई चलो। दादा क्यों मोहन, पहचाना हम कौन है? इसे जानता नहीं, बीरन है बीरन। बीरन? अच्छा कौन बीरन? रायपुर याद है, बूढ़ा तालाब और मछली किसके साथ मारने जाते थे? बीरू, बीरन हो तुम? बीरेंद्र कुमार मुखर्जी। गोपी।
बहुत बड़ी हो गई है माँ। लो और सुनो, बड़ी ना होगी तो क्या वैसे ही रहेगी। अरे कथा बोलतीस ना, ओखाने तो बोलतीस मोहनेर संगे डाका होले एई बोलबो ओई बोलबो। अरे किछु बोल। आय 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 एखाने आय आय आय, एक दिन पर डाका पत्र होलो, किछु बोल। मैं तो बड़ी होगी लेकिन आप शायद छोटे हो गए। अरे इतना शर्माता क्यों है? माँ माँ, इसने मुझे एक दिन तालाब में ढकेल दिया था। और तुमको आपको याद है? और क्यों रे, तू जो इसकी चोटी पकड़ कर खींचा करता था वो तो इसे याद होगा गिरे। वो बचपन था माँ। अच्छा मैं जाता हूँ कॉलेज, टाइम शाम को मिलूंगा। अरे मोहन जरा पैजामा तो देख अपना। देखा, अभी तक बचपन नहीं गया इसका, दिन भर इसी के कामों में लगी रहती है। मगर क्या मैं हमेशा बैठी रहूंगी? राम जाने मेरे बाद क्या होगा इसका। ब्याह तो नहीं कर देती हो माँ जी? आपकी जात में लड़कियों की कमी तो है नहीं। जात पात तो मैं मानती नहीं बेटा, मगर किसका निभाव होगा इसके साथ? हाँ कोई ऐसी हो जो सचमुच इसको संभाल सके मेरी तरह। और भाई बड़ी बात तो यह है कि मोहन को पसंद आ जाए, आजकल का लड़का ठहरा। माँ ये लो, अब मैं ना जाऊं तो इसे कुछ मिलेगा थोड़ा ही, सारी चीजें फैला के रख देगा। माँ आती हूँ बाबा आती हूँ। कह तो दिया बीरन को अफ्रीका में नौकरी मिली है। अफ्रीका में? हाँ पानी के जहाज से जाएगा ना। हाँ अब इन बेचारों का भी दुनिया में और कोई तो बचा नहीं, बस दो बहन भाई हैं, तो बहन को किस पर छोड़े, साथ लिए जा रहा है। चार दिन को यहाँ रुक गया हमसे मिलने। अच्छा लड़की बड़ी भोली है गोपी, तुझे पसंद है? शर्माती बहुत। तू कहे तो बात चलाऊं। बात? हाँ कैसी? शादी की। किसकी? तेरी और किसकी? मेरी। हाँ। अरे कहीं ऐसा ना कर बैठना, माने तो घर छोड़कर भाग जाऊंगा मैं। अच्छा बाबा नहीं। नहीं माँ तुम नहीं समझती, ये देहाती तरीका, बिल्कुल देहाती तरीका। भला आजकल ब्याह शादी इस तरीके से होती है? फिर कैसे होती है? होती है। मैं भी तो सुनू। सुनो माँ, पहले लड़का लड़की से मिलता है, यूं दोनों की मुलाकात होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी जान पहचान पड़ती है, फिर धीरे धीरे एक दिन आता है कि प्रेम पैदा होता है, बस फिर प्रेम। जानती हो माँ? नहीं रे, मैंने तो धूप में बाल सफेद किए हैं। चलो बस समझोगी कैसे। माँ सिनेमा भी तो नहीं देखती ना, नहीं तो जरूर समझ जाती। इतना घूर क्या रही हो, नजर लगाओगी क्या? आई गोरी दादी का ब्रिज में बल खाती, आई गोरी राधिका ब्रिज में बल खाती, बली बली जाए जसोमती मैया, बली बली जाए जसोमती मैया।
के बोली जसोदा, हंस के बोली जसोदा, गई आचराने मधु बन गयो है कुंवर कन्हैया, मधु बन गयो है, मधु बन गयो है, मधु बन गयो है कुंवर कन्हैया। मुस्काती बोली राधा वहीं से मैं आई, मुस्काती बोली राधा वहीं से मैं आई, ऐसा लगा के देखो प्रभु जी की माई, ऐसा लगा के देखो प्रभु जी की माई, हाँ प्रभु जी की माई। सुन के बोली जसोदा, सुन के बोली जसोदा, तब तो घर भूली मेरो तो ख्याल हरी कुंवर कन्हैया, मेरो तो लाल हरी कुंवर कन्हैया। आई गोरी राधिका में बल खाती, बली बली जाए जसोमती मैया, बली बली जाए जसोमती मैया। कितना अच्छा गाती है गोपी, मोहन सुनेगा तो बड़ा खुश होगा। मगर बेटी, एक तो तू इतने बरसों के बाद मिली और वो भी दो दिन के लिए, अरे मेरा तो जी चाहता है। माजी। क्या है बिंदु? खीर लाई हूँ। खीर? हाँ, आज मैंने पकाई थी तो कहा थोड़ी सी ले चलूं, उनको अच्छी लगती है ना? शैतान कहेंगे, तो तू आजकल खाना पकाने लगी है। और नहीं तो क्या, कोई गाने बजाने से थोड़ी काम चलता है। घबराओ नहीं, मैं अच्छी हूँ। ये दवाई खा ले बस, अब कोई डर नहीं। लेटी रहो माँ जी, लेटी रहो ना। अरे नहीं रे, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तेरी कसम। देख, तू मोहन से मत कहना, बेकार घबराएगा। दिल की बीमारी है बेटा, बहुत पुरानी, कोई आज की बात थोड़ी है। तो इलाज क्यों नहीं करती हूँ माँ जी? अरे इसीलिए तो वो सिनेमा में जाना चाहता है। कहता क्या है, हजारों रुपए मिलेंगे माँ, अमेरिकन डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा तुम्हारा। मैंने कहा ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए इलाज विलाज, मेरी तो ये गोलियां अच्छी मोहन के बाप के हाथ की हैं। ले उठ, मुझे उसका कमरा साफ करना है। तुम रहने दो माँ जी, ये कर देगी। लो और सुनो, दो दिन को आई है लड़की। तो क्या हुआ माँ जी, मैं क्या कोई मेहमान हूँ? नहीं है मेहमान। अरे ये क्या है तेरी उंगली में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं। लोहे का छल्ला है छोटा सा, बरसों से देखता हूँ एक मिनट भी अलग नहीं करती, उंगली में आटा थोड़ी अंगूठी में फंसा रखा है। बावली कहेगी। गोपी, देखती है इस लड़के की हालत, आज तक बचपन नहीं गया। जरा देख तो जेब में क्या क्या भर रखा है, किसी से कहूं तो झूठ समझे। अब तू ही बता मैं क्या कहूं इसको। बस दिखने में बड़ा हो गया है मगर दिल अभी तक बच्चों जैसा। ओ
मोहन, ऐसे तो तुम्हारी कहानी बड़ी अच्छी है भैया, मगर ये फिल्म कंपनी है, देखो ना इतने लोग बैठे हैं, डायरेक्टरों से मुलाकात करने कोई हंसी खेल नहीं है। नीला देवी आ गई? जी अभी नहीं। तो टेलीफोन क्यों नहीं किया गया? देखो कोशिश कर देना, हमारा काम आगे तुम्हारा मुकद्दर। हेलो 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 28875 28875। हाँ कौन बोलता है? कौन बॉय? देखो बॉय, नीला देवी कहाँ है? क्या आ रही है? चांस लगाया आ रही है, आ गई है। चांस की क्या हुआ? आपका नाम नंद किशोर है जी? जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है जी। अच्छा कहिए, मैंने आपको 5 ही फिल्मों में देखा है। आप भी फिल्म में काम करना चाहते हैं? नहीं जी, नहीं मैं कहानियां लिखता हूँ जी, कहानियां लिखता। अच्छा आप उधर बैठिए, चलिए। अरे नंद किशोर, क्या वो आ गई नीला देवी? नीला देवी भैया, बड़े जोरों में घूर रहा है भैया, क्या पहली बार देखा है इसे? पहली बार देखा है इसे? जी हाँ, वैसे तो मैंने इन्हें फिल्मों में देखा है, बहुत अच्छा काम करती हैं ये, मैंने इनकी सब फिल्में देखी। पहला सलाम, छैल छबीली, कटीले नैना, सावन भादो, हार श्रृंगार, पान वाली, फूल वाली, जाने जहां पी कहां पी कहां, अदा बस करती हूं। भाई सुनो, आज डायरेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो सकेगी, फिर कभी आना। ये फिल्म कंपनी है बेटा, लगा जाओ चक्कर। अगर जिंदा है तो कमा खाओगे किसी दिन। देख सच बता मोहन, तुझे वो कब से जानती है? वो मुझे नहीं जानती माँ, उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। तो ये तस्वीर तेरे पास कैसे आई? कह तो दिया माँ बाजार में बिकती है, तुम तो खामखा पीछे पड़ जाती हो। पीछे ना पढ़ूं तो और क्या करूं, तुझे अपनी भलाई बुराई तो सोचती नहीं। मोहन मैं पूछती हूँ, तुझे जरूरत क्या है उसकी तस्वीर रखने की? अच्छा माँ मेरी, अब नहीं रखूंगा बस। तो बेटा मैं तेरे ही भले के लिए कहती हूँ। और मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा गजब हो गया अगर मैंने किसी की एक तस्वीर रख ली। और सबसे पहली बात तो ये है माँ कि मेरी चीजों को कोई हाथ ही क्यों लगाए, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं रे, तू तो बूढ़ा हो गया है। बेटा तू बच्चा ना होता तो मुझे तेरी फिक्र ना हो। माँ ये गोपी कब जाएगी यहाँ से? गोपी वो बेचारी तेरा क्या लेती है? बड़ी बात हो गई है, है? मतलब जाए अपने घर, यहां क्या रखा उसका? अच्छा बीरन, तुमने इसके ब्याह की बातचीत शुरू की है कहीं? हाँ जल्दी कर दो इसका ब्याह। मोहन मतलब कि बड़ी हो गई है, कर दो इसका ब्याह, और तुम भी कर लो बीरन। जी हाँ, तुम अपनी तो कहो। भाई मैं ये सब नहीं मानता, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। और ये बेचारा तो नए जमाने का। नहीं माँ जी ये सवाल नहीं, ये लड़के और लड़की का प्राइवेट अफेयर है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। ले चल बैठ। अच्छा बीरन तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते यहाँ? नहीं माँ जी, नौकरी का मामला ठहरा, हमें तो 15 तारीख को यहाँ से चले जाना ही चाहिए। ले भाई गोपी तो कल चली जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। शर्म नहीं आती मोहन?
अच्छा दादा किदे बोल बोल चुप कोली केनो बोलछिलाम कि एखाने माने बॉम्बे ते कोनो चाकरी पा जाए ना बॉम्बे ते चाकरी मैं पूछती हूँ मोहन तो शादी से इतना डरता क्यों है डरता थोड़ी हूँ माँ तो फिर क्या बात है बेटा यूं ही जिंदगी भर का सवाल है तो मैं कोई तेरी दुश्मन हूँ बेटा जो बिना सोचे समझे कर दूंगी तो भरोसा तो रख बोल है मंजूर चेष्टा करते खुदी की जे पागल देखो तो तू बुकेश चाकरी की गाचे फले कि जेखने इच्छा कुए खुजे पड़ा वो अभिषेक तुम जो देखने चाकरी ना करते चाओ अलग अलग था अफ्रीका ते तो चाकरी नेमो ना बोली चलूं तू ही बोली सोंगे जावी और एकुन बोलती तू जावी ना तो चेचा चुका ना तो चेचा बुना तो की कर वो क्या बात है वीरन कुछ नहीं माँ जी मैं तो तंग आ गया हूँ इससे 18 तारीख को मुझे कराची से जहाज पर सवार होना है और अब क्या कह रही है दादा बम्बई में नौकरी कर लो अफ्रीका नहीं जाऊंगी अच्छा तुम ही बताओ माँ जी नौकरी क्या कोई झाड़ पर लगती है अब कहती क्या है दूर का देश है वहाँ तो कोई बोलने वाला भी नहीं मिलेगा सही तो कहती है बेटा नई नई जगह है तू वहाँ दिन भर काम में लगा रहेगा इसे वहाँ कौन देखेगा तो मैं क्या करूँ माँ जी अच्छा सुन तू इसे मेरे पास क्यों नहीं छोड़ जाता पहले वहाँ मकान वकान जमा ले फिर कभी आना तो ले जाना मैं कोई पराई तो हूँ नहीं बेटा अरे नहीं माँ जी मगर अच्छी तरह सोच लो ये इतनी सीधी नहीं जैसी दिखती है क्यों री जी लग जाएगा मेरे पास अच्छा तो ये लोग सचमुच जा रहे हैं बिरन कहाँ है माँ वो तांगा लेने गया है तू हट तो सामने से गोपी जब तुम चली जाओगी माँ को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा गोपी अपनी शादी पे तो हमें बुलाओगी क्या पक रहा है वो नहीं जा रही नहीं जा रही नहीं अभी वीरन अकेला जाएगा क्यों नहीं जा रही कैसा बावला है कुछ दिन रह जाएगी तो तेरा क्या नुकसान है मेरा क्या नुकसान है मगर कुछ दिन क्यों हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेती उसे माँ हाँ मुझे डर है कहीं मेरा प्यार ना कर दो इससे तुम क्यों बिंदु आजकल आती नहीं हमारे घर रूठ गई हमसे नहीं मगर डर जरूर लगता है क्यों डरने की क्या बात है कुछ नहीं सुना है बंगाली औरतें जादू जानती हैं तुम्हें कुछ इतराज तो ना होगा नहीं माँ जी भला इसमें इतराज की क्या बात है बस तो बेफिक्र रहो मगर अभी गोपी से कुछ मत कहियो मोहन की आदत मैं अच्छी तरह जानती हूँ 4 दिन में सब ठीक हो जाएगा चलो हमें यही तुम्हें चिट्ठी लिखो किच्छु भाबा नहीं हमें आसबो आवार अच्छा माँ जी मैं चलूँ जाओ बेटा ईश्वर तुम्हारी सहायता अच्छा, करे अच्छा, मोहन तो रोई लो ओ बिरेन गाड़ी निकल जाएगी चल 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 चलता हूँ भाई बिरेन इसके लिए 1 दर्जन रुमाल तो देता जाइयो इस तरह बीरेन को समझा बुझा कर माँ जी ने विदा कर दिया 2 मेहमान आए थे एक तो चला गया और जो रह गया उसके मन की था कौन लगा सकता
भैया, वो तो एक निराली दुनिया थी। वृक्ष की गोपियों का हाल सुना है तुमने, कान्हा की बांसुरी की ताल, तन मन की सुध विसार देती थी बेचारी गोपियां। बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ रंग से मुरारी। गोपी सब भान भूले बंस के तधारी, गोपी सब भान भूले बंस के तधारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ रंग से मुरारी। राधा सब ताल चुकी लागी उर कटारी, राधा सब ताल चुकी लागी उर कटारी, जमुना जल उलट बहे सुध बुध बिसारी, जमुना जल उलट बहे सुध बुध बिसारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बाज तीन लोक प्यारी जारी रे, वृंदावन बंसी बाज तीन लोक प्यारी, गोप बाल मगन भय, गोप बाल मगन भय बिज की सब नारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ रंग से मुरारी। सुंदर घन श्याम प्रभु सुंदर तन धारी, सुंदर घन श्याम प्रभु सुंदर तन धारी, सुंदर मन मोहन पर जाऊं बलिहारी, सुंदर मन मोहन पर जाऊं बलिहारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाई आज रंग से मुरारी, ओ रंग से मुरारी। ये तो बहुत अच्छा गाती है माँ, अच्छा किया जो इसे रख लिया यहाँ, मेरा मतलब जी बहला रहेगा तुम्हारा। और क्या? मेरा शॉल क्या कर रहा है यहाँ? मैं लाई हूँ रे, इसके पास कुछ छोड़ने को न था बेटा। तो धीरे धीरे घर पे कब्जा जमा रही है। मोहन तू इसका कुछ ख्याल मत करना बेटी, इसके मुंह में कुछ और दिल में कुछ, तू सो जा मैं अभी आती हूँ। ये तो बड़ा अच्छा गाती है माँ, तुम तो बड़ा अच्छा गाती हो गोपी, ये अच्छा किया जो यहाँ रह गई। सो गई बेटी? अरे दूध पिएगी थोड़ा सा? ये छल्ला क्या है, तावीज़ है कोई? पगली गई थी, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? सोचती हूँ दादा जहाज पे बैठ गए होंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटी। माँ, माँ, गोपी कहाँ है? नहा रही है। गोपी जी, बीरेन का जहाज डूब गया। क्या है माँ जी? माँ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, तू नहा तो ले पहले। मोहन बेटा ये तो गजब हो गया। लेकिन पता भी तो नहीं कि वो इस जहाज से गया भी या नहीं, शायद कराची में ही रह गया हो। राम करे रह गया हो। देख मोहन अभी उस बेचारी से कुछ मत कहना। अच्छा, अब उस लड़की का दुनिया में और कोई तो बचा नहीं हमारे सिवा, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा मोहन, शादी ब्याह और क्या।
क्या है माँ जी? क्या बात है माँ जी? क्या हो गया? कुछ नहीं बेटी, यूं ही बातें कर रहे थे। तुम्हारी शादी की बातें कर रहे थे गोपी। मगर माँ, इसे कभी तो बताना पड़ेगा। मैं बताऊंगी बेटा, तू कुछ मत कहियो, मैं बताऊंगी। धीरे धीरे, कभी भूल कर भी इसका दिल नहीं दुखाना मोहन, तुझे मेरी कसम है। अगर मुझे कुछ हो गया बेटा, याद रख, इसका भी इस घर में तेरे बराबर हक रहेगा। बेशक माँ, बेशक। अरे अकेली बैठी हो तुम, माँ कहाँ है? पूजा कर रही है। पूजा? देखो तो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए मैं। माँ ने मंगवाया। क्यों? यूं ही, ताकि तुम्हें बीरेन की याद ना आए। गोपी, इसे पहन के तुम अच्छी दिखोगी। तुम माँ से पूछ लेना। अच्छा, क्यों री, क्या मैं पूछे बिना तुझे कुछ दे नहीं सकती? नहीं। तू मेरी कोई नहीं। गोपी, क्या है माँ जी? अरे जब से ये बीरन गया है, तुझे फिक्र लगी होगी बेटा। उसने तो कोई चिट्ठी भी नहीं दी। नहीं माँ जी, ये तो दादा की पुरानी आदत है। वो जब बनारस कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो साल साल भर चिट्ठी नहीं लिखते थे। फिक्र मत करिए माँ जी, वो आराम से होंगे। और माँ जी के दिल ने किसी तरह मंजूर नहीं किया कि वो गोपी को दुखी करें। बेचारी फिर कभी गोपी के सामने बीरेन का नाम तक नहीं ले सकी, अंदर ही अंदर घुटती रही। सच तो ये था कि बीरेन उस जहाज से गया ही नहीं, मगर भले आदमी ने कोई खबर तक नहीं भेजी। खैर, इसी बहाने मोहन और गोपी बड़ी जल्दी दोनों आपस में हिल मिल गए। कभी कभी मोहन गोपी को अपने साथ बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। माँ, डर गई गोपी, डर गई। बचपन गया नहीं है अभी। छोड़ो माँ जी क्या कहेंगे। बचपन गया नहीं अभी। अच्छा गोपी, गोपी तुझे याद है मैंने छल्ला दिया था तुझे, लोहे का छोटा सा छल्ला, बचपन की बात याद है? क्या है बिंदु? तुम्हें क्या फिक्र है, और जाओ ना घूमने। माँ जी, कैसी तबीयत है माँ जी? कुछ नहीं बेटा, मैं नहीं। माँ जी, अब लेटी रहो, इस तरह काम नहीं चलेगा। मोहन, मोहन, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, मगर अब इन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना निहायत जरूरी है। मसलन डॉक्टर जोन्स, चार्ज तो बहुत करता है लेकिन इनका इलाज वही कर सकता है। अच्छा देखो, तुम पैसे का इंतजाम करो किसी तरह। पैसे?
नंद किशोर जी क्या है नंद किशोर जी फिर आ गए तुम। नंद किशोर जी आज मुझे किसी तरह डायरेक्टर जी से मिलवा दीजिए। देखिए मैं ये कहानी किसी दाम पे भी बेच दूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूं, कहानी बेच दूं? मुंशी जी कहानी बेचने आए हैं, देखिए। अच्छा तो आप कहानी लिखते हैं? हाँ जी। साहबजादे तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, हसीन हो जवान हो, कोई दूसरा काम करो जा। जी 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 आप भी कहानी लिखते हैं? लिखते हैं बरखुरदार, सिर्फ लिखते ही नहीं बल्कि 10 बरस से बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहानी लिखते हैं? 10 बरस? ये मोहन कहाँ गया है सुबह से? अरे तुम बाहर निकल आई? आज तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। नहीं डॉक्टर ने मना किया है। अरे मेरी बात तो मान। नहीं मानूंगी, चलो अंदर चलो। देख मेरी सांस तो देख। देख लिया। अरे तो मोहन का खाना कौन पकाएगा बाबली? तू कैसे पकाएगी? देखो माँ जी तुम्हें मेरी कसम, तू पका लेगी, कच्चा खिला दूंगी मगर तुम्हें नहीं हिलने दूंगी। अच्छा देख आलू में मिर्च कम डालना। मुझे सब मालूम है, मिर्च कम, दाल में घी, दही में शक्कर और रोटी के साथ मक्खन, रात को दूध का गिलास। बेटा राम जाने तू हमारे पिछले जन्म की कौन है। क्यों माँ जी, क्या मैं इस जन्म की कोई नहीं हूँ? अब मुझसे नहीं रहा जाता, उस बावले को तो कुछ सोचता नहीं। सोचती थी आज कुछ कहेगा कल कहेगा, मगर वो तो ऐसा भोला है कि राम बचाए खुद अपने दिल की हालत नहीं जानता। गोपी जी, अरे सच बताना तेरा जी हमेशा लगा रहेगा यहाँ? शर्मा मत बेटी, मगर सोच ले अच्छी तरह, फिर ये मत कहना कि माँ जी ने मुसीबत में फंसा दिया। नहीं माँ जी, मैं गोपी अच्छा ठहर, तुझे एक चीज दिखाऊं। बहुत दिनों की बात है जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो मोहन की दादी ने मुझे ये बक्स दिया था। आज तक याद है, उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, बचन दे बहू अमीरी में फकीरी में, भलाई में बुराई में, नेकी में बदी में, दुख में सुख में, तू जीते जी कभी इस घर को न छोड़ेगी। जानती है मैंने क्या कहा? मैं वचन देती हूँ। माँ जी आ जाने दे मोहन को, देख मैं उसकी कैसी खबर लेती हूँ। मोहन, ए मोहन, तुझे क्या पार्ट मिला? मैं क्या खाक पार्ट मिला है, 15 दिन से आ रहा हूँ, कितनी शक्ल तक नहीं देखी, और हम तो सोते हैं। लाना भाई चाला लग रहा है एक कप। अरे भाई कौन आया है साइड हीरो के लिए? रणधीर कौन कौन है, क्या है? जगदीश। कौन है जगदीश? जगन्नाथ, मनोहर, सतीश, सुखदेव, रामनाथ, श्याम, शंकर, मोहन ओझा। मोहन ओझा? हाँ। नहीं है? औरतों के राज में बड़ी मुसीबत। 10 मिनट तो बुला मुंशी जी। क्या हो गया? 8 हीरो बुलाए, 8ों कट, समझिए ना। 104 डिग्री टेम्परेचर चढ़ा हुआ।
क्या कहती है मालूम है आपको? कोई भोला भाला हीरो देख के लाओ, कहाँ से पैदा करो। मुंशी जी अपने बस का तो काम नहीं, हम तो नौकरी अब छोड़ देंगे। सही है आया जी। मोहन मोहन, अरे भरूच भरूच, वो मोहन कौन है? मोहन कौन? अरे भाई कोई हजरत है मोहन मोहन मोहन, कॉल था बंदर चिल्ला रहे हैं मुझ पर, इतने गर्म हुआ कि वो कह रहे हैं कि मोहन नहीं बोल रहे। मेरा नाम मोहन है जी, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम है मोहन। ओह तो आप ही वो मेरी मुसीबतें जान हैं? हाँ जी। तो जाने मन इतनी देर से आप यहाँ ऊंघ रहे थे बैठे हुए? चलो भैया चलो मेरी मुसीबत, चलो आप और जल्दी से आओ तो मेरे साथ आओ। चलो मैं आपकी इस पिक्चर से But so am I. For all I care, you can hire a monkey. Okay, I will. And thank you for being so charming. What a fuss for just 10 scenes. Ten scenes. बात करना है मिस्टर कॉल। मोहब्बत समझते हैं आप? जी नहीं, मगर उम्मीद है तुम जरूर समझती होगी। यही है वो हजरत। तुम्हारा नाम? जी मोहन, मोहन कपूर। मोहन गंदी जी, गो अरेंज द शॉट एंड कमिंग। ओके। हाँ तो मिस्टर मोहन अभी तक क्या कर रहे थे भाई? जी मैं बाहर बैठा था। यहाँ पहली बार आए हो क्या? जी नहीं, मैं पहले जी हाँ मगर उम्र कुछ कम मालूम होती है। मेरी उम्र 23 बरस की है जी, मैं 23 बरस का हूँ। पर मेरी उम्र का कहानी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक कैसे नहीं है भाई, तुम्हारी इनके साथ शादी होने वाली है। लिसन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, आई एम गोइंग ऑन द फ्लोर एंड सीन की और कहानी की सारी बातें समझा देना, मगर पैसे का जिक्र अभी। ओके ओके। देखो सर पहले तुम इनसे सारी बातें अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद मेरे पास आना फ्लोर। ओके आइए मिस्टर मोहन। आइए ना। वोंट यू सिट डाउन? कहानी तो शायद आप जानते ही होंगे। जी नहीं। जी हाँ कहानी बिल्कुल पूरी है। देखिए मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है, गौर से मेरी बात सुनिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। बैठ जाइए। किस्सा यह है कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं और मैं हूँ एक मशहूर एक्ट्रेस। मैं आपको नहीं जानती मगर आप मुझे अक्सर देख चुके हैं दूर ही दूर से। जी हाँ जी हाँ। और आपको खुद ब खुद मुझसे काफी दिलचस्पी हो गई है, या यूं कहिए कि आप मुझसे प्रेम करने लगे हैं दिल ही दिल में। मगर आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। जी वो जरा पुराने ख्यालात की हैं। जी मेरी माँ वो बीमार है। बीमार? जी इसीलिए तो मैं आया हूं ये कहानी बेचने। कहा तुम कहानी बेचने आए हो? नहीं मुझे मुझे माँ का इलाज कराना है नीला देवी। मगर मैं तो खुद कहानी सुना रही थी अगली पिक्चर की। अच्छा और मैं समझ रहा था। अच्छा मिस्टर मोहन आप वाकई कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ। और सचमुच मुझे देखा करते थे दूर ही दूर से? मोहन जी मुझे पहले कब देखा था? कई बार। कहाँ? पहला सलाम
छैल चबेली कटीले नैना सावन भादो हार सिंघार पान वाली फूल वाली जाने जहां पी कहां आधा वर्ष करती हूँ। काम नहीं होता तब तो चर्बी छा जाती है। देखो ये Right, Ravin, get out of there, please. Are you ready, everybody? Yes. Music ready, Phatak? Ready? I said, all right, Gigi, start music. Song 8, Tripti Mitra. 1, 2. Bali, Kumar, Pia, Mur, 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 Pia, Dana, Mane, Hai, Dia, Dana, Mane. अच्छा जी मैं जा रहा हूँ। मुझे पार्ट मिल रहा है जी। यानी मैं एक्टिंग करूंगा? यानी आप अभी तक समझ क्या रहे हैं? मैं एक्टिंग, मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का, मैं लेकिन मुझे माँ से पूछना पड़ेगा, माँ से पूछना। बहुत अच्छा, पूछ आइए अपनी अम्मा से। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मेरी कहानी खरीद लीजिएगा। जी हाँ, अब तो जो कुछ आप कहेंगे सब किया जाएगा।
नमस्ते। आजकल दर्शन नहीं होते आपके। नमस्ते भाऊजी। भाऊजी आज मुझे फुर्सत नहीं, माँ के इलाज का पूरा इंतजाम करना है। माँ माजी तो दिल की दिल ही में लेकर चल बसी, मगर गोपी के लिए एक मुसीबत छोड़ गई। पीरन की कोई खबर नहीं, मोहन का ये हाल, दिनों घर से बाहर नहीं निकला, दिन रात बच्चों की तरह बैठा रोया करता। बिचारी की समझ में ये नहीं आता क्या करें क्या ना करें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहन तो घर से निकला नहीं, मगर नीला देवी उसको न भूल सकी। सुना है मोहन का भोलापन बहुत भाग गया था उन्हें। क्या कर रही है फ्रेंड? ड्रेसिंग रूम में। खैर जा जरा यार। सलाम सलाम। ये क्या हिमाकत है नीलम, तुम्हें जो चीज नहीं मिलती उसी के पीछे पड़ जाती है। 8 दिन से मेरी पिक्चर रुकी हुई है और वो फाइनेंशियल का बच्चा मुझे अलग खाया जाता है, मगर तुम हो कि अपनी आदत से बाजी नहीं आती। आखिर तुम ही बताओ कि हम मोहन को कैसे बुला सकते हैं और वो आ कैसे सकता है? क्यों नहीं आ सकता? आपने भेजा भी है किसी? मगर जरा बात समझो हमारी। जब उसकी माँ ही मर चुकी है तो रोकने वाला कौन है? ओह माय गॉड। और अगर वाकई नहीं आ सकता तो पिक्चर को आग लगा दीजिए, क्योंकि अब वो पूरी नहीं होगी। किशोर जनाब, ये आग तुम्ही ने लगाई है ना? जी हाँ, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं। तो खड़े हुए यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो भाई? जाओ कुछ इंतजाम करो। लोग कहते हैं कि पिक्चर बनाने में रखा क्या है। अरे भाई मोहन। नमस्ते। मोहन बाबू हैं घर में? जी हाँ, आइए। आप इनके दोस्त हैं? जी हाँ, मैं तो तो इन्हें कहीं बाहर ले जाइए ना, भगवान के लिए, इनका जी बहला है किसी तरह। आइए। मैंने कहा आधा वर्जे। अम्मा तुम तो सन्यास लिए बैठे हो, आओ चलो आज तुम्हें कहीं सैर करा लाए। नहीं क्या?
इनके कपड़े वगैरह कहाँ लाई है ना? अभी लाए। अरे यार मान गए हम तुम्हें, मालूम नहीं वहां क्या आग लगाए आए हो तुम। नीला देवी को चैन नहीं, तुम्हारी जान कसम। नंद किशोर कहो, अब मैं सिनेमा में काम नहीं कर सकता। हैं? अच्छा तो वहीं चलकर कहना ना, डरते क्यों हो, आखिर मर्द हो कि हंसी खेल। चलो उठो। लाओ भाई लाओ लाओ, कोट वगैरह ले आए, अच्छा हो गया। ये पेटी में क्या है? अच्छा ये बात है, तो अब आपकी हजामत भी शायद हमें ही बनानी पड़ेगी है? अच्छा कोई परवाह नहीं, दोस्त के लिए जान हाजिर है, पट्टे मत घबरा तू। भाई वाह वल्लाह क्या जच रहे हो, जैसे दूल्हा घर से चल रहा है। लो आओ देखो, शाम को जल्दी आना। तुम सब कुछ बिल्कुल माँ की बातें सीख गई हो ना। अम्मा आओ भी। डायन है डायन, आते ही माँ को खा गई, अब बेटे पर नजर है। बिंदु तू क्यों जाती है वहां? अब तेरा कौन बैठा है वहां? चल अंदर, टांगे तोड़ डालूंगी अब कभी कहां गई तो। ऐसे थोड़े ही जाएगी, पहले मोहन को खा लेगी तब टलेगी यहां से। तो इसका भाई कहां जाके मर गया? उसे नहीं मालूम बहने के लक्षण, इसमें बुरा ही क्या है? बिना ब्याह ही कसम मिल गया बेचारी को। बैठी रंग महल में मोतियन की लड़ पोए।
Gopi. इंतजार कर रही थी गोपी, हम तो बहुत कुछ खा पी कर आए हैं। गोपी, मैंने तय कर लिया, मैं माँ को भूल जाऊंगा, बिल्कुल भूल जाऊंगा। गोपी, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, है ना? सच बताना, तुमने कुछ पिया है क्या? सच कहता हूँ गोपी, मुझे पता नहीं था, मैंने शरबत समझा। मगर तुम गए कहाँ थे? स्टूडियो, नंद किशोर ने कहा नीला देवी ने बुलाया है। मोहन बाबू ले लीजिए। नीचे मैं ये खा रहा हूँ। नहीं केला लोगे? नहीं ये खा रहा हूँ। कुछ तो लो ना। अच्छा तो सुनिए। तो सुनिए। ओ मोहन बाबू, नहीं जी, मैं और बताऊँ आपको कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते मोहन बाबू कि आपके हाँ कह देने से हमें किस कदर मसर्रत हासिल हुई। ऐसा लगता है जैसे सर पे एक बड़ा बोझ था जो टल गया। बात ये जी कि मुझे ये शौक शुरू से रहा है, यहाँ तक जब मैं बच्चा था ना जी, छोटा सा बच्चा, तो तब से ये शौक मुझे था। लेकिन ये क्या चीज है? शरबत है, आप क्या समझे? और मैं समझा, माफ कीजिए, बात यह है कि मैंने अपनी माता जी को वचन दिया था कि शराब कभी नहीं पीऊंगा। और शाबाश शाबाश, और लाओ भाई और लाओ। अब हमें पूरी उम्मीद है कि तुम दुनिया में कुछ कर दिखाओगे। वाह मोहन बाबू। बात ये है कि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं करने देती थी, कहीं जाने नहीं देती थी। कहती थी मोहन ये न करना, वो न करना, और अब बेचारी चल बसी है। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। अरे भाई सीसा, ओहो आप जाग उठे। आदाब बर्ज है, आदाब बर्ज है। कहिए मिजाज कैसे हैं आपके? नंद किशोर, नंद किशोर सच बता, मैंने क्या पिया?
नंदकिशोर सच बता मैंने क्या पिया? देखो मोहन भैया ये हत्ता पाया छीनी आपस में, देखो शराब। शराब कितनी बेहुदा चीज है गोपी, मेरा सिर चकरा गया। शराब ने जरा सी देर में मुझे इंसान से हैवान बना दिया। लेकिन गोपी गोपी मैं अच्छी तरह समझ गया कि शराब शराब एक जहर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कुछ नहीं पिया गोपी, मुझे माँ की कसम है अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो कहे तो मैं जाऊंगा भी नहीं। देखो मुझसे कुछ छुपाना मत, तुम्हें मेरी कसम। उसके बाद सॉन्ग 450 1 2 काम करोगे? हाँ जी। पिक्चर का नाम जानते हो? गोपीनाथ। गोपी गोपीनाथ। हाँ तुम बनोगे मोहन और हम राधा। हाँ
क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा था माँ को मुंह क्या दिखाऊंगा। माँ? लेकिन तुम्हारी माँ मर चुकी है ना? मर चुकी है। कितने भोले हो तुम, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। और मैंने भी आज तक आप जैसे कोई कोई नहीं देखा। वाकई? और देखकर खुशी हुई? चलो तुम्हें घर पहुंचा दे। घर? जी हाँ, तुम्हारे घर। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं। तो तुम घर में अकेले रहते हो? जी नहीं। जी नहीं, गोपी भी रहती है। गोपी? गोपी? गोपी बड़ी अच्छी लड़की है। गोपी मेरा बड़ा ख्याल रखती है। वो उसने मेरी माँ की सारी बातें सीख ली है। मुझे गोपी से मिलना पड़ेगा किसी दिन। अभी चलिए ना, अभी आइए, आइए ना, पास ही तो है, अभी चलिए चलिए। नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। उसके बाद वो चली गई और मैं घर आ गया। तुमने पूछा, मैंने सब बता दिया। ये चिट्ठी किसकी है? दादा की। बीरन की? हाँ, वो अभी तक कराची में है। बीरन कराची में है? बिरन कराची में है और बेचारी माँ मैं अच्छा हुआ। लिखा क्या है? मुझे बुलाया है। बुलाया है? लेकिन गोपी तू जा कैसे सकती है? इस घर में मैं अकेला। तू फिक्र ना कर, मैं बिरन को चिट्ठी लिख दूंगा। तू जाना चाहती है गोपी? मैं? मेरा चला जाना ही अच्छा है, अगर तुम बुरा ना मानो। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम जाओ, जरूर जाओ, और यही तो वक्त है जाने का। पहले मां छोड़कर चली गई और अब तुम चली जाओ। तुम समझती हो मैं अकेला नहीं रह सकता? रह सकता हूं और रहकर दिखाऊंगा। भूतों की तरह रहूंगा मैं इस घर में। गोपी आखिर तू क्यों जाना चाहती है? तुझे क्या तकलीफ है यहाँ? तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा? मैं लोग बातें करते हैं। लोग? पड़ोस वाले। क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। गोपी
तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते? ब्याह? फिर वो तुम्हें देखे भालेगी और मैं दादा के पास चली जाऊंगी। बिल्कुल माँ की तरह बात करती है तू। गोपी मैं ब्याह कैसे कर लूं, किससे कर लूं? क्यों, वो इतनी बुरी तो नहीं है? कौन? ये एल्बम कहां से मिली? तू पागल है गोपी? गोपी ये बहुत बड़ी स्टार है और मैं, ये मुझसे ब्याह नहीं करेगी। गोपी तुझे क्या हुआ? क्या हुआ गोपी, मैंने कुछ कह दिया? कुछ नहीं, माँ जी की याद आ गई थी। अरे इतने हाथ में क्या है? नींद नहीं आती, सर में दर्द है, बाम कहां रखा है? गोपी, गोपी माँ जी के पास एक छोटा सा जेवरों का बक्स था, यहीं कहीं होगा। कहती थी मोहन जब तेरी बहू आएगी तो उसके हाथों में दूंगी। बाम। गोपी, गोपी अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी कसम मैं सिनेमा में काम नहीं करूंगा गोपी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ के ना जा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं अपने पर, बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं नहीं जाऊंगी गोपी। मैंने माँ जी को वचन दिया था। वचन? हाँ, कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। कभी नहीं। सो जाओ जाके। नींद नहीं आती। अच्छा गोपी एक गीत सुनाओ। सखी मुझे पर दिया राम घबराए
मिस्टर मोहन कपूर यहीं रहते हैं? जी हाँ, मगर वो बाहर गए हैं। आपको कोई काम है? वो घर में नहीं है नीला देवी। तो आप जानती हैं मैं कौन हूँ? जी हाँ, अच्छी तरह। तो आपसे कोई बात छुपी नहीं रहती? मैंने भी आपकी बड़ी तारीफ सुनी है गोपा देवी। आप क्यों आई है? अच्छा एक बात पूछो, तुम्हारा मोहन से क्या रिश्ता है? बीवी हो? जी नहीं, नहीं। मर्दों की जात बड़ी बेमरवत होती है, मगर क्या ये तुम्हारा रिश्ता टिका रहेगा बहुत दिन तक? अब जाइए नीला देवी, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। शायद तुम नहीं चाहती? जी हाँ, मैं भी नहीं चाहती। बड़ी खुदगर्ज हो तुम, उसकी राह में कांटा बन रही हो। जानती हो मैं मोहन को मशहूर और मालदार बना सकती हूँ। उन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तू क्या जाने उसे क्या चाहिए? तूने शीशे में कभी अपना मुंह भी देखा है? गोपी, गोपी किसकी? नीला देवी। नीला देवी, नीला देवी, मैंने इरादा बदल दिया है। मैं अब सिनेमा में काम नहीं करूंगा। बड़े बेवफा नजर आते हो मोहन, मगर चलो अच्छा किया, तुमसे वो काम होता भी नहीं। कौन कहता है? नीला देवी, नीला देवी, मैंने कसम खाई है। मुबारक हो। तो क्या इरादा है, हलवाई की दुकान खोलोगे? मैं कहानियां लिखूंगा। कहानियां? अरे हाँ, तुम्हारी कहानी की बड़ी तारीफ सुनी है, कभी हमें भी सुनाई होती। आप सुनिएगा। सुनाओगे? अच्छा। आप सुनिए तो। अनुराधा कहती है कि राजकुमार क्षमा चाहती हूँ प्राणी, क्षमा चाहती। सुनिए सुनिए आप आगे सुनिए, आगे सुनिए आगे। राजकुमार कहता है, अनुराधा, अनुराधा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अनुराधा कहती है, प्रेम किसे कहते हैं मोहन, आई मीन राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार। गोपी, 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 नीला देवी को कहानी बहुत पसंद आई है। वो कहानी है ना जिसमें तेरी जैसी लड़की अनुराधा, और नीला देवी, नीला देवी उसमें खुद अनुराधा का काम करना चाहती है। तो मुझे डायरेक्टर से मिलने जाना पड़ेगा। कहानी लिखने में कोई हर्ज नहीं गोपी, माँ भी इसे बुरा नहीं समझती थी। नहीं, ये लो चाबियां। चाबियां? हाँ, जब तुम वापिस आओगे मैं घर में नहीं मिलूंगी। गोपी, अब तो बेकार की जिद कर रही है, तो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपने दिल की कर सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकती? गोपी, अच्छा, अच्छा, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। मोहन, कह दिया चली जाओ, क्यों परेशान करती हो?
चलती है। बताओ कौन है? सौ थे तेरी। आए हटो। ये क्या बचपना है? बिंदु आई थी आज माँ से छुप कर, कहती क्या थी, आजकल तो वो निकलते नहीं घर से, बात क्या है? मैंने कहा तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। रात बहुत हो गई, सोग नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, बम लगा दूं? नहीं। तो नींद नहीं आती। अच्छा एक गीत सुनाऊं? नहीं। तो फिर क्या करूं? नाराज क्यों होती हो? तुम चाहती हो मैं सो जाऊं? अच्छा जला दो इसे। बाद में चली आई, मगर मुझे यकीन है कि मोहन तुम पर जान देता है। वह? तुम्हें वहम हो गया नील। वहम? जी हाँ। हो सकता है कि वो खुद अभी इस बात को ना समझता हो, मगर तुम्हारी ही बातों से जाहिर है कि वो गोपी से काफी मोहब्बत करता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा जादू नहीं चलेगा। रणधीर जी, तुम मेरा एक काम करोगे? जी हाँ। क्यों इस किस्से को बढ़ा रही हो नीलम? क्योंकि जब तक उसके दिल के टुकड़े ना हो जाएंगे मुझे करार नहीं आएगा। अजी उसे तो कुछ भी नहीं होगा, मगर तुम संभालो अपने दिल को, कहीं मोच ना आ जाए खेल ही खेल। नंदकिशोर जी, शूटिंग कैंसल्ड। और खोलो बेटा फिल्म कंपनी, और खोलो, और खोलो, पिट्टो अपना मुंह। आधा वर्ष है भाई, सुना है नीला देवी से बड़ी बदतमीजी से पेश आए। मैंने कहा यही बनमन चाहत है आपकी, और एक वो है न जाने आपकी कौन सी अदा भाग गई है। ये खत भेजा है साहब, मैंने कहा सुनिए, पर नहीं उड़कर तुम्हारे पास जो आ जाएं हम, दिल समझता ही नहीं क्यों कर इसे समझाएं हम। अगर नीला देवी को इतनी तकलीफ है तो वो आती क्यों नहीं? मना किसने किया? मसल मशहूर है गोपा देवी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नमस्ते। नमस्ते।
जाने से पहले माँ जी ने ये बाकस मुझे दिया था, अब तुम्हारा जिम्मे जो आए वो करो। हिरन को खत लिखा है, सुन लो। माय डियर पेरेंट, गोपा देवी का ख्याल है कि मरने के पहले माँ जी ने उनके साथ मेरी शादी तय कर दी थी। अगर यह सच है तो माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए खत मिलते ही तुम फौरन चले आओ। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या चाहती हो। तुम समझते हो कि इस तरह तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने माँ जी को वचन दिया था, मैं जीते जी इस घर को नहीं छोड़ूंगी। देवी की बात सोच रहे हो, तुम हमेशा उसी की बात सोचा करते हो। जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? क्या तुम समझते हो मेरा दिल पत्थर का है? देखो तुम सच क्यों नहीं बता देते? तुम नीला देवी के पास जाना चाहते हो? हो जाती है गोपी तो मेरे लिए दुनिया में सब अंधेरा हो जाता है। आप कभी नाराज न होना, कभी नाराज न होना। बुखार तो काफी तेज है, शायद रात को डिलीरियम भी हो जाए। जरा होशियारी से काम लीजिएगा, मैं कल सुबह फिर देख जाऊंगा। अच्छा, जब से देखा है तुम्हें बस खो गए हम कहीं। जब से देखा है तुम्हें बस खो गए हैं हम कहीं। ना तसल्ली है न जी को, चैन है एकदम कहीं। पर नहीं उड़कर तुम्हारे पास जो समझता
ही नहीं क्यों कर इसे समझाए हम छूट जाए रंग के हाथों से जो निकले तुम कहीं खाक ऐसी जिंदगी पर तुम कहीं और हम आपका बड़ी देर से इंतजार कर रही मैम साहब। तो कशिशे वफा खींच लाए आखिरकार। फरमाइए क्या खातिर करूं आपकी। वो बीमार है नीला देवी, बहुत बीमार। बीमार है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ। यहाँ किस लिए आई हो? डॉक्टर वो आपके बिना अच्छे नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। एक बार चलकर देख लीजिए। नामुमकिन, जब तक तुम वहां मौजूद हो मैं हरगिज नहीं आऊंगी। नीला देवी, मैं आपको तंग करने नहीं आई हूं, मगर वो बहुत दुखी है, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। आखिर क्या चाहती हो? उनका सुख। नीला देवी, नीला देवी, अगर तुम्हें उनसे सच्ची लगन है तो मैं तुम्हारी राह में कांटा नहीं बनूंगी, मगर इतनी दया करना, मुझे भी उस घर में पड़े रहने देना। मैं दोनों की सेवा करूंगी बहन, मैं दोनों गोपी। अब मैं उनको देखे बिना जी नहीं सकती। तुम जाओ यहां से, मैं सोचूंगी। नीला देवी, जाओ यहां से, भगवान के लिए चली जाओ। तो ये है गोपी। कौल साहब, कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है? ये खुद मुझे बुलाने आई थी। मोहब्बत का नाम सुना है तुम? मोहब्बत? जी हाँ, प्रेम। तुमने सैकड़ों बार प्रेम का पाठ किया है नीलम, बखूबी किया है, लेकिन आज तक उसका मतलब नहीं समझे। शायद ये लड़की उस चीज की असलियत है जिसकी तुम नकल किया करती हो। मुमकिन है आजकल तुम्हें भी अपनी इस बनावटी जिंदगी में किसी चीज की कमी का एहसास होने लगा है। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस लड़की से सिर्फ जलन हो रही है, सिर्फ जलन।
मैं मोहन के पास जाऊंगी। आखिर वजह? मैं देखना चाहती हूँ कि बनावट के सामने असलियत क्या करती है, कितनी देर टिकती है। बनावट हार जाएगी नीलम। हरगिज नहीं। देखिए, अगर तुम्हें उनसे सच्ची लगन है तो मैं तुम्हारी राह में कांटा नहीं बनूंगी। बहुत बड़ी गलती कर रही होगी, ता जिंदगी पछताओगी। अरे तुम यहां बैठे हो? अच्छा हूं, अब बुखार नहीं। तू कहां थी? मैं कहीं नहीं, बाहर बरस में। मैंने बिरन को खत डाल दिया। गोपी, गोपी माँ का ख्याल ठीक था, मुझे ब्याह कर लेना चाहिए तेरे साथ। और नीला देवी? नीला को मेरी परवाह नहीं, वरना वो एक बार जरूर आती। अगर आप आ जाए? वो नहीं आएगी। मान लो आप आ जाए। नीला, नीला। मोहन, मैं तुम्हें तंग नहीं करने आई हूँ, मगर मैं बहुत दुखी हूँ, अब मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जाता। नीला, मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला था। गोपा देवी, अगर तुम्हें इनसे सच्ची लगन है तो मैं तुम्हारी राह में कांटा नहीं बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीला? मगर इतनी दया करो बहन, मुझे भी इस घर में पड़े रहने दो, क्योंकि अब मैं इनको देखे बिना जी नहीं सकती। गोपी, जवाब क्यों नहीं देती? गोपी, आखिर ये भी इंसान है। मैं दोनों की सेवा करूंगी बहन, मैं दोनों। गोपी, शायद बिल्कुल पागल हो गई हो। मोहन, चलो नीला, तुम्हें घर पहुंचा दूं। Thank you.
ब्यूटीफुल गो होम नाउ। अच्छा ट्रॉली बैक, तुम प्लेबैक पैकअप करो, प्लेबैक पैकअप करो जल्दी। फ्रेंड कम लुक शार्प करें, जरा फुटेज जरा फिर करो। 693 डोंट मेक नॉइज। ए अब तुम घर चले जाओ। क्यों? मुझे तुम्हारी आंखों से डर लगता है। तंबूरा टूट ले चले गए तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो क्या चाहते हो मोहन, कहीं भाग चले? चलो
मगर पहले गोपी से पूछा। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? नीला, नीला मैं बच्चा थोड़ी हूं। दीदी, दीदी देखो कौन आया है। ये देखो पा, हेलो आतिश तो। दादा, 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 दादा। आतिश क्यों? बच्चे तो अपने हैं, मगर गोपी के कैदी जरूर हो। कैदी? और प्रेम चाहता है आजादी। आजादी? आजादी क्यों खुद बखुद गिरफ्तार हो रही हो नीलम? अच्छा तो आप मौजूद है यहाँ? क्यों बेकार दो मासूम जिंदगियों को तबाह करना चाहती हो? मोहब्बत का नाम सुना है कभी? मोहब्बत सीन लाजवाब था मगर बिल्कुल गलत। गलत? बनावट जीत गई। क्यों अपने आप को धोखा दे रही हो? जो राह तुमने इख्तियार की है वो मोहब्बत की मंजिल नहीं जानती नीलम। जानती हो मोहन के दिल में तुमने क्या पैदा किया है? वासना, डिजायर, ख्वाहिश। तुम्हारे इस हसीन जिस्म के लिए सिर्फ एक जलती हुई ख्वाहिश, बस और कुछ भी नहीं। मगर ख्वाहिश की मौत बहुत जल्दी होती है नीलम, और उसके बाद मोहन तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेगा, और उस दिन तुम लाख कोशिश करोगे। आप हमेशा भूल जाते हैं कि आखिर मैं भी एक इंसान हूं। जी नाराज हो गई भाई? सारे सीन से हमारा मकसद यह है कि इंसान की मोहब्बत खुद परस्ती को नहीं कुर्बानी को कहते हैं। कुर्बानी? जी हाँ, मगर सच्ची कुर्बानी, एक्टिंग नहीं। कुर्बानी? रणदीप जी, भाई हमें तुम्हारी किस्मत पे तरस आता है। जी मालूम होता है उसे वाकई मोहब्बत पैदा हो रही है। झूठ, मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं। इरादा बदल दिया है तुमने, मुझे साफ नहीं कहता इससे ब्याह करोगे। तुम मुद्दे खाने बम्बो कुछ नहीं तो जो निम्बू डाक लो बाहर गलो। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो? पहले मुझे मार डालो। तू की पागल हो गई लोके बैठे थकते ना दिले तू की तदबड़ी जोर को थक भी তোমার যাই খুশি না বলো, আমি যাবো না, আমি যাবো না, আমি যাবো। মানে মাজিকে বচন দিয়া
मैंने माँ जी को वचन दिया था, मैंने माँ जी को वचन दिया था। नीला, मैं इस दर्दनाक कहानी को खत्म करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो मासूम जिंदगियां तबाह हो जाए। नीला, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ मोहन, अब कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। नीला, नीला ये कैसे हो सकता है? मोहन, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, और अगर न भुला सकी तो मेरे तमाम रंजो गम को डुबो देने के लिए, सुना है समंदर बहुत गहरा होता है। नीला, तुम इस घर में रहना चाहती हो ना, तो रहो, लेकिन मैं अब उम्र भर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन, सुननी तो नारो किछु सुनबार बाकी आछे, एबार आमार संगे चल। गोपा, तुई कि काला हये गेछिस, सुनते पाच्छिस ना? तुई जदि आमार कथा ना सुनिस तो तुई थाक, आमी चललुम। अच्छा, जी जी, देखो तुम्हारे भैया जा रहे हैं। इसे यहीं रहने दो, मैं समझ लूंगा आज से मेरी बहन मर चुकी है। जी जी, बिंदु, इठलाती बल खाती, झूम झूम लहरों के तारों पे मदमाती गाती, मगर किसी की आज जवानी, मगर किसी की आज जवानी, जलती धुआं धार दे विधन के द्वारे। आज कोई गाए रे मल्ला, आज कोई गाए रे मल्ला, आसमान में बैरी चंदा तारों संग मुस्काए, मेरा मन फागन है सुना साजन के बिन खाए, आँखों के खारे पानी खारे पानी में बहे किसी का प्यार दे विरहन के द्वारे।
दीदी देखो ना, दीदी दीदी मोहन दीदी। मोहन मोहन कहानी को खत्म करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो मासूम जिंदगियां तबाह हो जाए। मैं तुम्हें आजाद करती हूँ मोहन। अब कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। कहने लगा, नहीं नीला, ये कैसे हो सकता है? नीला देवी, नीला देवी, तुम्हारे पहलू में दिल है? नहीं रणधीर, पत्थर है। मुबारक हो नीलम, इन बेवकूफों के साथ मैं भी तुम्हारे कमाल की तारीफ करता हूँ। थैंक यू। मगर अब के बार तुम भूल गई हो कि तुम भी इंसान हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मोहन से मोहब्बत हो गई। जानते हो इसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा मोहन, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भुलाने की कोशिश करूंगी, और अगर ना भुला सकी तो मेरे तमाम रंजों को हमको डुबो देने के लिए। सुना है समंदर बहुत गहरा होता है। मोहन, मैं समझी तुम सो रहे थे। मोहन मोहन आपने सच कहा, मैं सो रहा था। मेरा ख्याल है कि इस कहानी में आपका काम खत्म हो गया। नीला देवी, नीला देवी, जाने दो। शायद वो आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने जा रही है। गोपी, आ गया। गोपी,
क्या तू पागल हो गई है? गोपी! अब क्या रोता है? किसके लिए रोता है बावरे? अब यहां तेरा कौन बैठा है? यह तो वहां पहुंच गई है जहां मन की सारी इच्छाएं, सारी आशाएं, सारी वासनाएं जलकर राख हो जाती है। प्रेम की चरम सीमा के पार, चरम सीमा के पार। अब उसके लिए संसार में कोई नहीं बचा मोहन के सिवा। अब वो जिधर देखती है, जहां देखती है, जिसे देखती है, बस मोहन, 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 तुम आ गए मोहन। गोपी, घर जा बेटा, बेटा घर जाओ, जाओ, घर जा बेटा, घर जाओ। ये वो नहीं, तुम तो कहते थे वो आएंगे। देखो, मैंने सुना क्या है? क्या वो कभी नहीं आएंगे? गोपी, 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 चलो अंदर आओ। गोपी आओ, मोहन बहुत हो चुका, मान जाओ। कब तक इसकी सेवा करोगे? हम इसे किसी अस्पताल में। बीरेन, बीरेन, ये मेरी मां की बहू है, तुम इसे ले जाओगे? मैं जिंदा कैसे रहूंगा?